वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर ऑप्शन सीरीज। इस वीडियो में हम देखेंगे हमारी 10वीं स्ट्रैटेजी मैरिड पुट, जो कि है एक बुलिश स्ट्रैटेजी। तो आई एम सो सॉरी, इतने दिनों से मैंने वीडियो डाली नहीं बिकॉज मैं किसी और काम में बिजी था। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल और ये प्लेलिस्ट को भी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो अभी देखिए, ये जो स्ट्रैटेजी है ना, इसका मेन फ़ायदा क्या है, इसके अंदर है ना जो स्टॉक की पोजीशन होती है उसकी शादी की जाती है ऑप्शंस के साथ में। कैसे, मैं दिखाता हूँ। तो इसमें क्या होगा, जो ट्रेडर है उसका व्यू है क्या मार्केट जाएगा ऊपर की तरफ, लेकिन मार्केट ऊपर जाएगा डर लगा हुआ है क्या यार मार्केट नीचे भी गिर सकता है, तो क्या किया जाए, तो उसको हेज करना पड़ेगा। तो वो हेज कैसे करते हैं वो इस स्ट्रैटेजी में सिखाया गया है। मतलब अप ट्रेंड का मूवमेंट है, हमको बोनस लेना है, डिविडेंड लेना है, तो हम स्टॉक को बाय कर रहे हैं, लेकिन वो स्टॉक नीचे गिरेगा तो लॉस ना हो उससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं खुद को। तो काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है, मार्केट में काफ़ी चलती है। चलिए देखते हैं। लिमिटेड रिस्क है, अनलिमिटेड रिवॉर्ड हैं। कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो हमने समझ लीजिए एक लॉट में जो 250 क्वांटिटी होती है उतनी क्वांटिटी रिलायंस शेयर की बाय कर ली, RIL मतलब रिलायंस। और हमने क्या किया, एक ऐट द मनी का पुट ऑप्शन बाय कर लिया जो इसको प्रॉपर हेज करेगा। मतलब मार्केट ऊपर गया तो रिलायंस में प्रॉफिट होगा और मार्केट नीचे गया तो पुट में प्रॉफिट होगा। तो एक पोजिशन में प्रॉफिट होगा तो दूसरे पोजिशन के लॉस को कवर करेगा। ये तो मैंने काफ़ी सिंपल बताया, एग्जाम्पल्स में देखो आपको समझ आएगा। सपोज़ करो कि मिस्टर एक्स हैं, 2500 के रेट पे अभी रिलायंस चल रहा है, तो उन्होंने क्या किया, 250 क्वांटिटी बाय कर लिया। मैं कभी 250 बोलूँगा इसका मतलब भी 250 होता है, ठीक है, 150 मतलब 150, तो समझ जाना। अब उन्होंने क्या किया, 250 क्वांटिटी रिलायंस की बाय की और सेम एट द मनी का उन्होंने एक पुट बाय कर लिया है जो 45 रुपये का पड़ा है। तो ये जो पड़ा अपने को रेट का, वो पड़ा 45 × 50, हमने जो एक XYZ अमाउंट दे दी वो हमने दे दी। तो अभी हमारा पोजीशन सेट हो गया है। अब क्या होगा अगर मार्केट 2400 गया, तो मार्केट 2400 गया तो रिलायंस के 250 क्वांटिटी पर क्वांटिटी 100 रुपये का नुकसान होगा, मतलब 25,000 का नुकसान। लेकिन ये जो पुट है, ये पुट के अंदर 100 रुपये का प्राइस हो जाएगा, तो 45 का प्राइस अगर 100 रुपये हो गया तो 100 रुपये हुआ, 45 हमने पे किया था तो 100 − 45 55 रुपये हमको प्रॉफिट हुआ। 55 × 250 13,750, 25,000 का नुकसान, 13,750 का प्रॉफिट, तो टोटल हमारा लॉस हुआ 11,250। अब इस स्ट्रैटेजी का सबसे जो ब्यूटी है वो देखिए, मार्केट अगर यहाँ से 1000 पॉइंट भी फिसलता है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज मैक्सिमम लॉस अपना 11,250 होगा। 11,250 से ऊपर लॉस जा ही नहीं सकता इसका, ठीक है। तो ये हो गया नंबर वन पॉइंट। अब अगर दूसरा देखें, मार्केट अगर सेम पोजीशन पे स्टैंड करता है तो क्या होगा, अगेन रिलायंस के पोजीशन में कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे 11,250 प्रीमियम ज़ीरो हो गया, 11,250 के ऊपर लॉस जाएगा ही नहीं। अब अगर देखते हैं मार्केट ऊपर गया तो क्या होगा, मार्केट अगर 2600 गया तो यहाँ पे अपने को 2600 − 2500 100 रुपये का प्रॉफिट, 250 की क्वांटिटी, तो 25,000 रुपये का अपना प्रॉफिट हो गया। लेकिन जो अपना सेकंड पोजीशन है इसका प्रीमियम तो ज़ीरो हो जाएगा। अब अगर इसका प्रीमियम ज़ीरो हो जा रहा है तो यहाँ पे अपने को जो लॉस होना है 11,250 का लॉस हो जाएगा, जैसे क्या सेकेंड वाले पोजिशन में हुआ था। तो यहाँ पर अपने को 13,750 रुपये का प्रॉफिट होगा। अभी यहाँ पर आप देखिए, वापस से मैं दिखाता हूँ, पुराना जो पोजीशन है 2400, कितना भी नीचे जाएगा लॉस अपने को 11,250 का मैक्सिमम है। अगर ये 2000 भी जाएगा ना, ये दोनों आपस में कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ पे 11,250 का ही नुकसान होगा। और अगर हम 2600 का केस लेंगे ना, जितना मार्केट ऊपर जाएगा हर एक रुपये पर 250 रुपये का प्रॉफिट होगा ही होगा, वो तय है, बशर्ते कोई शर्त नहीं है यहाँ पर। ये अगर 2700 जाएगा तो 25,000 प्लस 13,750, ये अगर 2800 जाएगा तो 13,750 प्लस 50,000, हर 100 पॉइंट पे 25,000 का प्रॉफिट होगा ही होगा। तो ये स्ट्रैटेजी इस तरीके से है।
तो काफ़ी सिंपल स्ट्रैटेजी है, काफ़ी लोग इम्प्लीमेंट करते हैं मैरिट पुट को, और काफ़ी लोग तो जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको तो पता भी नहीं है कि इसको मैरिट पुट बोलते हैं, बट वो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, बोलते हैं हेज किया है। तो ये रही ओवरऑल मैरिट पुट की स्ट्रैटेजी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगने वाली वीडियोज़ को देखिए, और डिटेल में अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ को एक्सप्लेन किया हूँ। अभी 3-4 स्ट्रैटेजीज़ के बाद में न्यूट्रल स्ट्रैटेजी आएंगी, उसके बाद में बेयरिश स्ट्रैटेजीज़ भी आएंगी। तो ऑप्शन को सीख के रहेंगे, ठानो, सारी वीडियोस देखो, ऑप्शन आपका पक्का क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फैल्कन फिन, और साथ ही साथ क्लिक कीजिए बेल आइकॉन पे, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।